Fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुडा। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग टू यू ऑल दैट रिसेंटली वी हैव क्रॉस्ड 1K सब्सक्राइबर ऑन आवर चैनल एंड आई एम मच 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 ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन For all the love that you have shown me on this channel। तो चलो फिर अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस पोएम में पोएट हमें बताते हैं कि हमें इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में कुछ टाइम निकालना चाहिए। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम कुछ पल के लिए कुछ भी ना करें। तो आज इस पोएम में हम 12 तक काउंट करेंगे और फिर हम सब रुक जाएंगे। एक बार के लिए ही सही, बट इस पूरी अर्थ पे कोई भी लैंग्वेज में बात मत करो, सिर्फ रुक जाओ, एक सेकंड के लिए साइलेंट हो जाओ और अपने हाथों को बिल्कुल भी मत हिलाओ। वो कितना ब्यूटीफुल मोमेंट होगा जब हम सब रुक जाएंगे, जब कोई दौड़ भाग नहीं होगी, कोई मशीन नहीं चलेगी, हम सब एक साथ रुक जाएंगे और साथ हो जाएंगे। वो मछुआरे जो मछलियों को हार्म कर रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। वो समुद्र से नमक इकट्ठा कर रहा आदमी वो भी रुक जाएंगे। क्या उन्होंने कभी अपने हाथों को देखा है कि उन्होंने अपने हाथ कितने गंदे कर दिए हैं? वो लोग जो युद्ध कर रहे हैं, वॉर्स विद फायर, वॉर्स विद गैस, वो भी रुक जाएंगे। क्या फ़ायदा उस जीत का जहाँ पे कोई ज़िंदा ना बचे? सब वॉर छोड़ के एक साथ साफ कपड़े पहन के आ जाओ, बिल्कुल भाइयों की तरह, और शांत हो जाओ, कुछ मत कहो। आप लोग मेरे कुछ मत कहो से कंफ्यूज्ड मत होना। मैं टोटली इनएक्टिवेटेड या डेथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बल्कि उन लोगों की मेंटालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, जो सेल्फिश होते हैं। हम कुछ समय के साइलेंस में सैडनेस को दूर कर सकते हैं और इस साइलेंस से हम खुद को और अच्छे से समझ सकते हैं। बल्कि हमें तो अर्थ से सीखना चाहिए कि जो भी हमें चीज़ लाइफलेस लगती है वो भी जिंदा हो सकती है। जैसे कि वो पत्थर जैसे दिखने वाले सीड्स सॉइल में डालते ही उनमें लाइफ आ जाती है और फिर वो पेड़ बन जाते हैं, और वो पेड़ भी बिल्कुल शांत रहता है लेकिन उसमें भी लाइफ होती है। और अब वो कहते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा और हम सब शांत हो जाएंगे, हम सब साइलेंट हो जाएंगे।